हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। दर्शकों, आज आप सभी को बहुत इंटरेस्टिंग वाला सीन दिखाने जा रहा हूँ। हम आज जंगल की ओर जा रहे हैं, तो आप बने रहिए मेरे साथ। आज के वीडियो में मैं एक पत्थर का बहुत बड़ा गुफा आपको दिखाऊंगा। उसके बाद 1949 को इंडियन आर्मी सर्वे के लिए यह आया था, और वो भी कहाँ में हुआ था वो भी आज आप लोग देख लीजिए वीडियो को। तो सेकेंड सर्वे 1978 हुआ है। 78 को आते समय को हमें बड़ा बड़ा पेड़ था, उसको काटते हुए हमें अभी तक रखा है, अभी तक नहीं सराए सबको। आप लोग को आज हम दिखाने वाला हो, आप लोग बने रहिए। उसके बाद दिवादी को भी आप लोग को दिखाऊंगा। दिवादी एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगा। अच्छा से बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए। इसके लिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। बने दर्शकों, अभी रास्ता में है, तो बीच रास्ता में है, वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत दूर है। आप लोग ऐसे बने रहिएगा, ऐसे में बीच 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 में अपडेट देते रहेगा। दर्शकों, आप लोग देखिए एक बड़ाला पेड़ है, पेड़ के नीचे में एक गेट है, तो आप लोग देख सकता है। ऐसे पेड़ या फिर जंगल में जाने से कुछ अजीब अजीब बोला कुछ सुंदर बहुत देखने मिलता है। देखिए ये एक गेट, पेड़ के नीचे में एक गेट है, यहाँ से हम पार करने जा रहे हैं। देखिए बहुत काफ़ी सुंदर, पार हो गया, बहुत बड़ा पेड़ है। देखिए वहाँ से हम पार हुआ है। दर्शकों, बहुत काफ़ी लंबा सफ़र किया है आज को, 1 घंटा 30 मिनट बहुत होने वाला है। जाते जाते एक यहाँ का एक नाम बड़ा वाला एक गुफा है, इसका नाम है तोनहिन लिख। इसको आप लोग को मैं कहूँगा, ये है तोनहिन लिख, बहुत बड़ा गुफा है। देखिए मैं आप लोग को आधा तक लिख के दिखाऊंगा। ये तोनहिन लिख देखिए, अंदर भी ऐसे आगे जमाना का, यहाँ में बहुत 6-7 इंसान, 10 इंसान ऐसा कुछ सोचा था बोलते हैं, इससे भी ज़्यादा सो सकता है। देखिए अंदर तो कितना है, अंदर तक है। देखिए मैं फिर से बाहर से भी अच्छे से दिखाऊंगा, देख सकता है ना, बहुत बड़ा गुफा है। ये गुफा का नाम है तोनहिन लिख। दर्शकों, दर्शकों आप लोग भी तोनहिन लिख को देख लिया होगा। दर्शकों, अभी हमें तोनहिन यर पे सबसे टॉप में अभी पहुंच गया है। तोनहिन यर पे फर्स्ट सर्वे या फिर 1949 को आया है। उस टाइम ऐसे सर्वे के लिए इंडियन आर्मी यहाँ में आया हुआ था। तो सेकेंड टाइम 1978 को आया है। तो आप लोग देखिएगा पेड़ का टुकड़ा लुको इतना बड़ा है। फिर ये पेड़ लुको, ये है देखो पेड़ का, ये इतना आगे जमाना बहुत बड़ा था। अब देख रहा होगा, ये आप देख रहा होगा पत्थर है बोलते हैं, पत्थर नहीं है ये पेड़ है। देखिए पता है, आइए आगे 1978 को ये पेड़ को कटा है, अभी तो नहीं सर है। देखिए ऐसे देखिए, ये भी
अभी तो पूरा नहीं सर है, अभी देख सकते हैं। ये पत्थर नहीं है, ये पेड़ है, बड़ा बड़ा पेड़। अभी तक नहीं सर है 78 का, अभी तक देखिए पूरा नहीं सर है। अंदर में ताक रहा है अभी भी। देखिए ये सर, देखिए ये पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ पेड़। देखिए देखिए ये अभी तो पूरा नहीं सर, अंदर में बहुत पत्थर जैसा है अभी भी, बहुत ताक रहा है अभी भी। सड़ने के लिए तो बहुत बहुत टाइम लगेगा। ये तो पता होगा शायद से, अभी सबसे टॉप ये ऊपर, ये ऊपर में एक सबसे टॉप ऊपर में एक पत्थर है, वहाँ में किसी का नाम भी लिखा है। देखिए यहाँ पे कुछ नाम लिखा है, ये पर जमाना का नहीं है अभी का, कुछ लोग यहाँ में आके अपना नाम को लिख के रखते हैं ताकि आगे जनरेशन में देख सके। उसके बाद थोड़ा सा टॉप से व्यू मजा लेते हैं। देखिए नीचे में सुंदर, काफी बहुत सुंदर व्यू। देखिए जैसे दोस्तों अभी हम टॉप को देखा दिया, अभी हम अभी को दिखाने जा रहे हैं फिर दीवा में, अभी दीवा जाके आप लोग को दिखाऊंगा, काफ़ी बहुत सुंदर है वो भी। दरअसल वो अभी दीवा पहुँचने वाला है, आप लोग रिक्वेस्ट है। दरअसल वो आप सभी को मैं कुछ दिखाना चाहूँगा, ये पत्थर का ये गुफा के अंदर में कुछ मिट्टी का ये तकी बना के रखा गया है, दादाजी का दादा का वो लोग रख गया है। तो ये है मिट्टी का मक्का, ये मिट्टी का पक्की, ये मेरा रख के दादा लोग चला गया है। तो कल कोई विजिट करने आया था लग रहा है मेरे ख्याल से इस मक्का को, ये जो कल आया है वो लोग से देखिए ये पूजा पाठ क्या है, दो दिन में आया था वो लोग पूजा पाठ किया था, जो इस मिट्टी का मक्का को देखने आने जो आया था वो लोग किया होगा। तो आज हम आया था उसको देखा है, कल भी कोई आया था बोल के। तो चलिए दर्शकों आपको पूरा दिखा दिया, बने रहिए मेरे चैनल में और मेरा वीडियो को एंड तक देख दीजिए, ऐसे वीडियो इंटरेस्टिंग वाला लेके आते रहेगा, आप लोग बने रहेगा। काफ़ी बहुत सुंदर है, देखिए नेचुरल प्लेस भी है, यहाँ से बस्ती तक बहुत दूर है, वहाँ से यहाँ तक आने के लिए 3 घंटा ज़्यादा लगता है। आज हम आप लोग के लिए यहाँ तक आ गया, आप लोग को ये पूरा दिखाने के लिए। देखिए ये है आज का ये मेरा मिशन था आपको दिखाने के, ये है दीवा। इन
मतलब बहुत बड़ा जगह है, सब प्लेन है। देखिए मिथुन भी यहाँ में बहुत है, देखिए पीछे में भी बहुत है, यहाँ से भी आ रहा है और वहाँ में भी है, बहुत है। लो 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 लो, आप लोग देखिए, देख के देखिए कितना मिथुन आता है। हम पिल्ला के रखते हैं जन्ना चिल्लाएगा उन्ना मिथुन लोग तोड़ के आएगा। देखो एक देखो तो नमक मांग रहे हैं। ऐसे दर्शकों बने रहिए वीडियो पे, तो देखिए बहुत बड़ा एरिया है, सब प्लेन है। और देखो यहाँ का पेड़ भी बहुत सुंदर है, बड़ा है, कंफर्टेबल है। देखो इसको देखने के लिए आज हम आप लोग के लिए यहाँ पे आया हुआ है। अलग जगह है, इसलिए यहाँ का वेदर बोलो। और यहाँ में एक छोटा छोटा सा एक लेक है, तो अभी आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूँ। ये है अभी पानी नहीं है, ठीक है। इसका ये छोटा सा लेक का नाम है डिबा पंखा। यहाँ से जितना मिथुन है और यहाँ से पानी यहाँ से पी लेते हैं इसका डिब्बा पंखा। तो चलिए आगे देखिए ना, बहुत है मिथुन, अभी भी चिल्लाने से और आएगा, इससे ज़्यादा आएगा। देखो अभी बहुत है, होगा अभी भी मिथुन, चिल्लाने से और इससे ज़्यादा आएगा। इसलिए आसान डिब्बा में आया हुआ है आपको दिखाने के लिए। बाय बाय दर्शकों, आप लोग देख लिया होगा हम डिब्बा जितना हम दिखाने के लिए किया था। आप लोग हम पूरा 100% कोशिश किया है। आप लोग वीडियो को अच्छा लगने से प्लीज कमेंट एंड लाइक। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग बने रहिए। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज के लिए इतना ही।